ये प्रेग्नेंट है और इनके पति को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। मेरे पति को मर्डर कर दिए। कौन कर दिया? कुछ दिन के बाद में बउआ पैसा मांगा, उल्टा पटा बेटी मतारी के गाड़ी ने दे दिया, ये भी दे दिया गाड़ी, उहे खीसी काला है। तो वहाँ केस मुकदमा किए कि नहीं किए? केस मुकदमा सब हो गया है, डेढ़ महीना ले हमने एएसपी की है थाना में, एसपी की है, एएसपी की है, सब की है, पांच पांच बार मिल चुके हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति तेजस्वी आवास के बाहर है, यानी कि राबड़ी आवास बोलिए या तेजस्वी आवास बोलिए, दोनों एक ही आवास में रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक महिला है और एक पुरुष है। ये जो महिला आप जो देख रहे होंगे, अगर इनकी कहानी अगर हम आपको बताएंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये प्रेग्नेंट है और इनके पति को इतनी बेरहमी से मार दिया गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनके पति प्रॉपर्टी डीलर थे और उसी में किसी से थोड़ा सा मुठभेड़ हुआ और उसका अंजाम इतना हुआ कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार है और ये स्लोगन आपको कई जगह पढ़ने को मिल गया होगा कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बीजेपी की बात करें तो सबका साथ सबका विकास, सब जगह आप बात कर रहे होंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लड़की को पढ़ाना है, बहुत तरह की बातें होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत तरह की बातें आप सुनते होंगे और देखते भी होंगे। सिर्फ देखने को आप कहाँ मिलेगा, बैनर पोस्टर। हकीकत क्या है वो आपको आज हम दिखाएंगे। ये महिला है और इस महिला कितने बच्चे हैं आपकी? एक तो क्या हुआ था, पूरा क्या कहानी था? कहानी यही था कि मेरे पति को मर्डर कर दिए। कौन कर दिया? कौन कर दिया? परवीन सुनील चकिया के, एगो जेल रोड के था। वो क्या करता है? वो भी ऐसे ही मने अथी में इलेक्शन में एक बार खड़ा हुए थे तो नहीं जीत पाए, हार गए, पैसा मांगे इलेक्शन में, तो मेरे पति दिए पैसा मांगने के कारण मेरे पति की हत्या कर दी। पैसा दिए? देखिए उनके ससुर जी, हम इनसे भी बात करेंगे जिनका बेटा गया है। हालांकि दर्द तो होगा ही, आपका बेटा गया है, दर्द होगा उस पर हम नहीं, हम चाहते हैं कि और भी हम आपको खुरेचे, लेकिन आपका बेटा का कौन हत्यारा है, किस पे शक है आपको? हमारा परवीन जी पर बड़ुए सुनील पबा एगो जेल रोड के नाम नहीं बताया है, बउआ ने सब मैसेज रिकॉर्डिंग भी कर दिया है, फिर भी बात के रिकॉर्डिंग भी कर दिया है, दोनों कर मोबाइल ने अपना साइड में झोलाड़ी में फेंक दिया है और उन लोग को हत्या कर दिया, उनको हत्या कर दिया। अच्छा ये बताइए हत्या क्यों कर दिया, क्या कुछ तो बात होगी? 8 लाख रुपया लिए थे मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए, राहुल कागज का कागज बन मुखिया के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, मुखिया में हार गए, उसका बाद कुछ दिन के बाद में बउआ पैसा मांगा, उल्टा पटा बेटी मतारी के गाड़ी ने दे दिया, ये भी दे दिया गाड़ी, उहे खीसी काला है। तो वहाँ केस मुकदमा किए कि नहीं किए? केस मुकदमा सब हो गया है, डेढ़ महीना ले हमने एएसपी की है थाना में, एसपी की है, एएसपी की है, सब की है, पांच पांच बार मिल चुके हैं। क्या गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, खाली बोलता है लोग कि दो दिन रोक जाओ बाबू, दो दिन रोक जाओ बाबू, चार दिन रोक जाओ बाबू, अरे इतना सबूत होते हुए दो दिन रुक जाए, किसी की गिरफ्तारी अभी तक किसी के नहीं रुका। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी से मिलकर न्याय मिल जाएगा? न्याय तो हमको सही बहुत भरोसा है कि न्याय हमको मिलेगा, हाँ बहुत भरोसा है। मुख्यमंत्री से क्यों नहीं गए मिलने? हम जानते हैं कि थोड़ा उम्र गिर गया है, उनको बोलने में थोड़ा तजुरत होता है। अच्छा। इसीलिए इन्हीं के पास में हम मिलने के लिए आए, इन्हीं के पास आए। हाँ। तो क्या टाइम मिला है अंदर से? हाँ टाइम तो मिला है, वहाँ पर मैं कौन वहाँ पर मैं एथी दे दिए हैं, पर्ची दे दिए हैं, उसका बाद में फिर भी पर्ची हम यहाँ लेकर आए हैं, बोले हैं कि आप आइए आवास पर हमको क्लियर करेंगे। तो अंदर का आदमी मतलब कोई आया कि आश्वासन मिला कि मिलेंगे कि नहीं? ना, मिलेंगे? अभी तक नहीं मिला, अभी तक कुछ ऐसा मत नहीं है कि आएंगे मिलने के लिए। हाँ। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, इंतजार ही करना पड़ेगा। ये देश ही ऐसा है कि आपको तारीख पे तारीख मिलता रहेगा लेकिन इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, और इंसाफ के लिए ये महिला दर दर भटक रही है, आप देख सकते हैं। और क्या हालत है इनकी हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, और ये उनके पिता हैं जो मृतक थे, उनके पिता हैं ये, और दर दर भटक रहे हैं, सभी के पास गए, हत्या हुए तकरीबन डेढ़ महीना हो गया और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और नारे और बैनरबाजी, किस तरह का नारा लिखा जाता है, किस तरह का पॉलिटिक्स होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और बीजेपी की बात करें तो सबका साथ सबका विकास, यही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसी की हत्या हो रही है तो किसी की मर्डर हो रही है, किसी की बलात्कार हो रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है।
होने को तो हो जा रहा है, कांड हो जा रहा है, लेकिन न्याय के लिए आप चप्पल घिस दीजिए, जूता घिस दीजिए, न्याय नहीं मिलेगा। आज भी आए हैं, तेजस्वी के आवास पे आए हैं मिलने के लिए। आप मिलेंगे तेजस्वी जी या नहीं मिलेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन आश्वासन मिला है, कुछ बाहर से के लोग हैं जो उनको आश्वासन दिया है कि आपसे मुलाकात करवा देंगे, लेकिन वो तो देखने वाली बात होगी कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब तक सत्ता से दूर रहता है लोग तो बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी भाषण होता है, बड़ा बड़ा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब सत्ता हासिल हो जाता है तो जनता को कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस जनता के पक्ष में बस आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, वो है बैनर। हम आपको दिखा देंगे कि कई बैनर आपको यहाँ पे लगा हुआ है, मुस्कुराइए आप रोजगार वाली सरकार में है, कई तरह के इस तरह का मतलब यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है। रोजगार तो दूर, पहले तो उसका जीवन तो बचा लीजिए, जब जीवन रहेगा तभी आप रोजगार दे पाइएगा। तो इसी तरह का बहुत तरह का घटना ये बिहार में घट रही है, और जब से ये महागठबंधन बनी है कई तरह का आरोप भी इन पे लग रहा है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जंगल राज है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जंगल राज है। चलिए, पहले भी क्राइम होता था और आज भी क्राइम हो रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए तेजस्वी को चाहिए कि उनको निष्पक्ष तौर पे ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए जो मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं, तभी उन पे जो आरोप लगा है, वो जो दाग लगा है, वो दाग मिट पाएगा। तो इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। बाकी बात आपका दुलार प्यार मिलता रहा है। नमस्कार।